चलिए तो नमस्कार किसान भाई लोग, ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नए वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी किसान भाइयों को अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रहा है, किसानों को इन पर सब्सिडी दिया जा रहा है। पर अब जो खबर सामने निकल कर आ रहा है कि धान के बदले अन्य फसल जो की ग्रीष्मकालीन फसल होंगे उन पर भी किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा, क्या है खबर बताएंगे आज के वीडियो पर। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन है उस पर क्लिक करके। जी हाँ किसान भाई लोग, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को ग्रीष्मकालीन धान के बदले किसानों को अन्य लाभकारी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री चौबे ने कहा कि राज्य शासन ने इस वर्ष ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर गेहूं, चना, उड़द, मक्का, तिल, रागी, मूंगफली आदि की खेती के लिए किसानों को विशेष रूप से प्रेरित करने और उन्हें इसके लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने के निर्णय लिए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को ग्रीष्मकालीन धान के बदले अन्य लाभकारी फसलों की खेती के लिए प्रचार प्रसार का व्यापक अभियान संचालित करने के साथ ही अन्य ग्रीष्मकालीन फसलों के बीजों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। तो चलिए भाई, इस तरह से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रहा है छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए कि अब ग्रीष्मकाल में भी अगर किसान भाई धान के बदले अन्य फसल करते हैं तो उनको भी प्रोत्साहित करेगा। और इसको लेकर कृषि मंत्री चौबे जी ने आवश्यक बैठक भी ली है अधिकारियों के साथ और किसानों को इन फसलों के लिए सरकारी मदद देने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्रीष्मकालीन फसलों के बीज को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो छत्तीसगढ़ के किसान भाई हैं उनको अब दोहरी लाभ की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि अब खरीफ के अलावा ग्रीष्मकालीन फसलों पर भी सरकारी सहायता प्रोत्साहन किसानों को मिलने वाला है। साथ ही किसान भाइयों को मंत्री चौबे ने कहे कि जिन क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन धान की उपज ली जाती है उन क्षेत्र में उपयुक्त वैकल्पिक फसलों के बीज की व्यवस्था त्वरित रूप से पर्याप्त मात्रा में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक फसलें एवं उत्तरा फसलें जैसे अलसी, तिवड़ा, बटरी, सरसों की खेती के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जाए एवं प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। इसके लिए कृषि मंत्री ने विकासखंड स्तर पर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों एवं विभागीय अधिकारियों को इसकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो चलिए भी किसान भाई लोग, अच्छी खबर है कि अब आप खरीफ के अलावा ग्रीष्मकालीन अगर फसलें भी करते हैं, धान के अलावा दूसरी अगर फसल लगाते हैं तो भाई आप लोगों को सरकारी मदद रहेगा, विभागीय मदद रहेगा और आप लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। अगर आप भी उत्तरा की फसल करते हैं तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री चौबे जी ने इसकी विभागीय बैठक ली है, समीक्षा की है। बस अपने फसलों की जानकारी आपको अपने विभागीय अधिकारियों को देना होगा। तो भाई किसान भाई लोग, इसको लेकर आगे जो भी नया लेटेस्ट अपडेट आएगा हम इस चैनल के माध्यम से सीधा जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी करके रखिएगा। किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नया अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।